असल आज आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ शायद खाकान अब्बासी वजी अजम पाकिस्तान सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून आजकल बहुत खुश हैं पूरी पार्टी बहुत खुश है लगता है कि कोई खुशखबरी इनके पास है जो ये पूरे पाकिस्तान को सुनाना चाहते हैं बड़ा ऑप्टिमिज्म है आजकल मुस्लिम लीग नून में शायद साहब कल मरियम नवाज नवाशिफ साहबा ने कहा अब तो महीनों की भी नहीं दिनों की बात है ये ऑप्टिमिज्म ये कहाँ से आपको खुशी हो रही है कि दिनों में हुकूमत जाने वाली है ऑप्टिमिज्म आता है जब हुकूमत नाकाम हो चुकी हो अ मुश्किल में हो पर इस मामले का एक ही हाल रहता है कि नए इलेक्शन हो तो ऑप्टिमिज्म ये है कि आज कोई उम्मीद की किरण नहीं है इसलिए आज वाहिद मुल्क के मामला का हल ये है ये भी होता कि किसी की डील हो गई हो तो ऑप्टोमिज्मी डील, डील, डील किस बात की होगी नहीं मुझे बताएं डील किस हमने क्या लेना है हम ना इकतदार मांगते हैं ना मफाद मांगते हैं हम तो मुल्क के मसाइल का हल मांगते हैं हम तो ये कहते हैं कि ये दें आप केस खत्म करना ये, मांगते ये, हैं केस, केस, बीमार कर... तो आदमी का हक हाँ है जहां मर्जी जाए इलाज करो बीमार है या सेहतमंद है अल्हमद वो आज कल एक और ट्वीट हुई है तस्वीर आपकी नजर से गुजरी होगी बहुत बीमार लग रहे थे दिखाए अगर हम तो स्क्रीन के ऊपर कम बैक किड

तो प्लेटलेट काउंट होता ना यहाँ पे आप बता रहे थे आज तीन हजार चार सौ सोलह प्लेटलेट रह गए तो महीने तो दो दो स्टेबल हो गए अब जो थी लेकिन यहीं से कर लेते हैं पहले ये फैसला कर लें मिया साहब इंसाफ की वजह से नहीं आ रहे या इलाज की वजह से नहीं आ रहे मिया साहब इलाज करा कर आएंगे इलाज के लिए आप सिर्फ सियासतदान है मैं बयान उनका सुनाने लगा हूं जो सिर्फ सियासतदान नहीं बल्कि साहबजादी भी हैं जो रोज दिन में मुझे यकीन है कि आठ से दस दफा उनसे रोज गुफ्तु भी करूंगी उन्होंने कहा आज आप हमें उनका गारंटी कर दें फ्री कोर्ट हमें रात को बुला लेती सुने क्या बात करना आप मुझे ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी जिंदगी को खतरा नहीं होगा इन के हाथ में उनकी जिंदगी नहीं होगी मैं उनको शाम की फ्लाइट से बुलाऊ तो बदलने कम अज कम कहार हमें इंसाफ की तो ये डालते हमें इंसाफ नहीं देती ये ना कहें बीमार है इंसाफ तो उसको गिन लेना सर वो गिन कहती रात को आ जाएंगे

भैया साहर हॉस्पिटलाइज होना देखे उनको स्टेबल कर दिया गया तीन अब वो सारी उम्र स्टेबल रखे लंडन में तीन सर्जरीज होनी है जब सर्जरीज हो जाएंगी तो आ जाएंगी और तो मरियम नवाज शरीफ साहब को समझाए ना वो क्या? ना का करे कहा करेंगे इलाज इलाज करा, करा, पांच, पांच महीने पहले की आप क्लेम बताओ पांच महीने पहले तो सेहतमंद थे ना नहीं सेहतमंद नहीं है देखे उनकी जो कंडीशन है वो सबके सामने सत्तर साल की उम्र में इतनी कंडीशन होती है इंसान की अब आपका ख्याल है सत्तर साल की उम्र में वो मैराथन लगे हमारी कंडीशन इस तरह नहीं है

या बयान ये इंसाफ नहीं मिलता आप, आप कहते हैं इलाज कराना है वो कहती है इंसाफ नहीं मिलता हम फंस जाते हैं आप आप सुने या दुखरे सवाल करेंगे उसका जवाब दे देंगे <laughs> सवाल हुआ कि अदालत क्यों नहीं आए उन्होंने कहा इंसाफ देंगे तो आ जाएंगे सवाल ये हुआ कहते हैं बीमार आज रात को आ सकते हैं आप उसका सवाल अदालत सवाल बता दें उस देंटेक्ट का ठीक आप तो मसला ये शायद साहब आप तो सवालों के ऊपर भी कहते हैं कि सवाल बड़ा गलत था जी नहीं सवाल गलत नहीं सवाल बड़ा सही था पूछते जी जो आप सवाल पूछेंगे उसका जवाब मैं दूंगा ठीक मुझे बताएं

सर तो ये पूरे मुल्क की ख्वाहिश आप बाहर निकले ना सड़क में निकले आर क्या क्या मैं मुल्क आपके मुल्क मैं आपके दफ्तर में आता हूँ रास्ते में छह आदमी पूछते हैं कब जान छुड़ाएंगे इनसे जी इनसे जान छुड़ाएंगे हम टांगे पैदल आते सर जी पैदल, पैदल, पैदल मैं, गाड़ी रोक लेते हैं मैं गाड़ी से लेकर आपके दफ्तर तक की बात कर रहा <laughs> हूँ छह आदमी रास्ते में पूछ आपसे कुछ अच्छा रास्ते में भी लोग आप यकीन करें सड़क पे लोग जो साथ खड़े होते हैं दूसरी गाड़ी में वो शीशा नीचे करो वो कहते जी खुदा के लिए जान छुड़ाएंगे ये हालत हो गई है यकीन करें मैंने जिंदगी में ऐसी हालत नहीं देखी बिल्कुल ठीक है मुझे ये बताएं सर आपने यहाँ पे बैठ के कुछ अरसा पहले कहा था जब आपसे कहा गया क्या अद, अदम लाने की बात हो रही थी दो तरीके गिरने के इस हुकूमत के एक तो एक दिन आप उठे फोन बजे आप उठाएं इमरान खान साहब फ़ोन पर हो गया शायद साहब आ जाए जरा बनी गाला मेरा इस्तीफा ले जाए व्तीफ़ा दें एक हुकूमत का जाने का तरीका ये दूसरा यह है कि आप कोई आईनी तरीका निकालें यहीदम एतम ले आएँ और उस आदम इतम की आप किस तरीके से जाकर देख रहेगा मुझे एक और तरीका भी है अच्छा वो तरीका वो डील वाला जी वो डील वाला तरीका जो है, है? क्योंकि एक बड़ी तादाद है इस वक्त हुकूमत के अपने एम एन एज की जिन पर ये बड़ा क्लियर है कि अगर वो पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे तो नहीं जीत सकते ठीक हो गया तो वो लोग छोड़ना चाहते हैं हुकूमत को ये बीस पच्चीस का फिगर आप ये बाईस बाईस अफराद को मैं तौर पर जानता हूँ बाईस अफरा मैं आपसे कन्फर्म कर बाईस के करीब हसन मुझे आज बता रहे थे उनके बुनियादी बाईस के करीब ऐसे लोग हैं पीटीआई के जो अगले कुछ दिनों में रिजाइन करना चाह रहे हैं पिछले तीन चार महीने में वो बाईस लोग हैं जो अभी तो आप और ख्वाजा साहब चीख चीख के असेंबली पे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे गिर जाती है अगर फोन ना आ रहे होते लोगों को सुनिए मैं आपको सुनाना चाहती हूँ बात है सिस्टम इनका जरा हो जाता है ऐसे टाइम पे कोई बात नहीं ये बिल्कुल खुआ साहब ने कहा है ये मुझे लोगों ने कहा है कि जनाब हम नहीं आना चाहते थे हम ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते इस महंगाई का हम ये सात अरब रुपया लोगों पर नहीं लाद सकते हम जॉब क्या देंगे हम मजबूर आए आप ये कह रहे हैं कि हम सात वो लोग कहते हैं कि हम सात अरब लोगों लोग में नहीं ला सकते लेकिन उन्हीं लोगों ने सात अरब रुपए का बिल उसकी हिमात की असेंबली में खड़े होकर जी तो आपको कहते हैं फोन कॉल का बड़ा असर होता है बड़ी बासर तो बास फोन कॉल आज पहले ये बात जी, जी, ये कर ले। अगर बासर फोन कॉल उनको वोट देने ले जा सकती है तो उनको इस्तीफा कैसे देने देगी यही तो बात है जब बैसाखी हटेंगी तो इस्तीफा आ जाएगा वो आप खुद कह रहे हैं शाह साहब खादाह बैसाखियां लगी हुई हैं उनको फोन कॉले जा रही है उनसे वोट डलवाए जाते हैं फिर आपको क्यों लगता है कि कल सुबह उठेंगे और सडनली बैसाखियां बैसाखियां भी मुकम्मल सहारा तो नहीं दे सकती ना बैसाखी हुकूमत की नलायकी तो बर्दाश्त नहीं कर साल तो निकाल गए ना जी मैं ये बैसाखियां एक दिन हट जाएंगी वो हट जाएंगी मैं आपको बता रहा हूँ किस दिन हटे जल्दी हट जाएंगी क्योंकि मुल्क नहीं चल रहा से आपकी मुलाकात हुई है वो आपको कुछ बता रहे हैं जो आप हमें नहीं बता रहे हैं नहीं मेरी बैसाखियों से मुलाकात होती रहती है मैं रोज असेंबली में बैसाखियों से मुलाकात करता हूँ अच्छा जिनकी बैसाखी लगी हुई है जो फोन कॉल पे आते हैं रोज बताते हैं आप उस दिन कम अज कम छः अफराद ने मुझे बताया यार हम नहीं आना चाहते थे मजबूर है मुलाकात होती है आपका मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई मेरी आज तक नहीं किसकी होती है किसी की भी नहीं होती अच्छा क्या मुलाकात करके क्या बात करेंगे मुझे बताए ना पहले की कर दो कोई कोई मुलाकात नहीं हुई पहले पहले रोज के में पहुंचे होते। क्या बात करते, यार, जो, करते क्या बात जो मिलते हैं उनसे पूछ लेना हमारी वो पार्टी है जिसके मेमरान तोड़े गए जिसके इलेक्शन चोरी हुआ जिसके खिलाफ धांधी हुई जिसकी सुनी नहीं गई जिसको जेलों में डाला गया इसमें मुकदमे बने ये ऐसी डील थे हम दूर है हमें दूर ही रखें तो बेहतर है ठीक हो गया मुझे ये बताएं मैं आप चला देता हूं ये आप लोग कह रहे हैं एक तरफ आप कहते हैं शायद साहब कि जख हम हम आ, तरीके दम नहीं ला सकते हम तरीकेदम एतम कामयाब नहीं करा सकते आपने सेनेट की मिसाल दी आप ही क्या मैं मिसाल इस वक्त टीवी चलाने लगूं एक तरफ आपका व्यू ये है इन हाउस चेंज तो जिनकी वजह से होता है जिनकी मदद से होता है हम उनकी मदद नहीं लेना चाहते सौदे के बगैर मुमकिन नहीं होती तरीके तरीके इतमाद अगर शोक है तो इस सेनेट से शुरू सौदे के बगैर नहीं होती आप यहां बैठे कह चुके कोई करेगा तो एक तो आपका यह भी दूसरी तरफ आप खुद और खायर साहब ये कह रहे हैं कि वो लोग इनको फोन करके भी तक रखे हुए वो आप क्या कहते हैं है। वो बात कह रहा हूं जो हुकूमत के अपने मेम्बर ने और इतिहादियों ने हमें खुद बताई है कि वो इस बिल को वोट नहीं देना चाहते थे और ये टेलीफोन कॉलों के जरिए ये यह अदर्तनी पूरी की गई है कौन फोन करता है रात के अंधेरों में इनको इनके वोट पूरे करता है सो yes. so, अगर वो पिछले हफ्ते तक उनके वोट पूरे कर रहे थे तो आपको कहां से ऑप्टिमिज्म नजर आ रहा है कि अगले हफ्ते नहीं करेंगे ऑप्टिमिज्म की बात नहीं है हमें नजर आता है कि मुल्क नहीं चल रहा विसाखी वालों को भी नजर आता है कि मुल्क नहीं चल रहा आज मुल्क का वायद हल है खत्म हो जाती है सर यह बंदे गायब कैसे होंगे जो जो उनकी चे... गायब गायब होना जरूरी नहीं है जब ये हट जाएंगी ये लोग आपके सामने आकर खिलाफ वोट देंगे पीटीएम में आपने कहा कि अगले इजलास में गुफ्तु की क्या आदम एतम लाई जाए नहीं ऐसी अदम एतमाद हमेशा एक ऑप्शन होता है अंडर डिस्कशन है इस वक्त जी पिछली दफा भी तो इस दफा भी है ऑप्शन तो आईनी ऑप्शन तो यही है हमारे पास हम तो, तो गैर तो आईनी ऑप्शन में तो नहीं क्या मौका होगा जब पीडीएम के इजलास में ये गुफ्तु होगी कि इस हुकूमत के खिलाफ हम अदम एतम लेकर आए क्या कहेंगे आप कि लानी चाहिए बिल्कुल अगर आदम एतम ही हटाने का तरीका तो लानी पड़ेगी लेकिन मैं फिर कहूँगा कि एक आईनी अमल एक गैर आईनी माहौल में नहीं मुमकिन नहीं होता लाएंगे तो गया जब गया। जब वो बैसाखियां हटेंगी तो बिल्कुल लाएंगी विसाखियां हटना हम भी सियासत करते हैं पच्चीस है को इजलास है पच्चीस को को है मीटिंग है सरब्राईलास उसमें आपसे पूछा जाएगा शायद साहब क्या एतमाद लानी चाहिए नहीं हाँ या ना आपका एक जवाब जी मेरा बिल्कुल जवाब होगा कि जब आप माहौल देखें कि, कि वैसाखी हट गई है तो जरूर आप सर आज के दिन वो माहौल है मैं नहीं? मैं आपकी जी परसों तक जब वोट हुआ है तो माहौल नहीं था लेकिन मेरी राय ये है कि ये, ये माहौल कायम नहीं रह सकता क्योंकि मुल्क मुश्किल में है आज और कोई हल है नहीं किसी को पच्चीस तक वो माहौल बन जाएगा जिसमें आपको पच्चीस सौ डिस्कशन है ना पच्चीस हो अगले महीने हो महीने दो महीने बाद हो वो बात अपनी जगह पर है ऐसा आप ये कह रहे हैं कि हो कभी भी जाए इस वक्त माहौल नहीं है आज है। नहीं है परसों तक ही बात कर रहा हूं जब वोटिंग हुई है उस दिन नहीं था पीपल्स पार्टी आ सकती है तेरी अदर पीडीएम में वापस बिलावल साहब ने एक तरीज आना, आना चाहे तो आके बात कर ले एतमाद बहाल करे किस तरह एतमाद नहीं है जो लोग तोड़ते हैं खुद ही एतमाद बहाल करना भी जानते हैं आगे पाँव पड़ जाए आपके कहीं पाँव पड़ने की जरूरत नहीं है आके बताएं

अगर वो मेरा जो स्ट्रैटी है अदम का उस पर भी आ रहे हैं तो फिर मेर, मेरा ख्याल में ज्यादा इम्कान है कि हम इकट्ठे हो सकते देखिए इस्तीफे का ऑप्शन पीडीएम का ऑप्शन है था अब नहीं अब नहीं लेकिन नहीं, आगा नहीं आगा मैं गुजारिश करने दे कर इस्तीफे का ऑप्शन उस वक्त इफेक्टिव होता है जब सारी अपोजिशन दे दे पचास साठ मेंबर को भी में बैठे अपोजिशन में फिर उसका वो इफेक्ट नहीं आएगा तो हमने हमेशा ये कहा है और आज भी यही कहते हैं कि आज भी अगर ऑपोजिशन से लेदा हो जाए तो ये निजाम नहीं सकता। अगर आपने करने, आपका ख्याल है कि सारे ऑपोजिशन इस इस्तीफा जो पीपल्स पार्टी कहती है हमने इस्तीफा नहीं देना अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो इसका मतलब इस्तीफे का ऑप्शन नहीं है अदम एहतम पर वो कहते हैं फिर हम पीटीएम में इकट्ठे हो सकते हैं फिर मुमकिन हैदम एहतली के अंदर होगा वहां पर वहां पर इकट्ठे हो सकते हैं पीटीएम में नहीं

ये चेयरमैन सैलरी फैल्स पार्टी ही लाई थी इसलिए वो जो माजी में हो गया अपनी जगह पर है जब पीडीएम बना तो पीडीएम का, का एक असूल था था पीडीएम का एक असूल था कि हम इन डील्स में नहीं पड़ेंगे तो so आप ये कह रहे हैं कि उधर का बाप अच्छा है इधर का बुरा है नहीं जब आप एक एक पीडीएम बैठकर उधर की बाप मतलब पार्टी अच्छी है पीडीएम जब बैठ बैठकर एक फैसला कर ले कि जो चेयरमैनशिप सेनेट का उम्मीदवार गिलानी साहब होंगे पीपल्स पार्टी से Opposition की सीट जाएगी पीएमएलएन को और लीडर ऑफ दिशन जी लीडर ऑफ दिशन और जो डिप्टी चेयरमैनशिप जे आई के होंगे दो दिन बाद गवर्नमेंट के मेंबरान बुलाकर उसको तोड़ दिया मैं आज भी कहता हूं कि अगर वो मेंबरान वाकई हमारे साथ हैं तो हमारी तादाद तकरीबन छप्पन चौबन छपन बन जाती है सेनेट के अंदर अक्सरियत है एक भारी अक्सरियत है तो फिर चेयरमैनशिप चेयरमैन सेनेट से शुरू कर लेकिन तो तो आपका भी नाम हो है मैं, मैं उनका बड़ा मशबूर हूं मुझे उन्होंने इस काबिल समझा मैं उसने ये पूछा है कि यह बता दे किससे मुलाकात हुई अभी तक यह नहीं बता सके अगर टीवी पर बता दे किससे मुलाकात हुई है आपने अपनी पार्टी में कोई डांग फिरने की जरूरत नहीं है कोई मुलाकात हर रोज आप कर ले लोग उसे कोई जाने नहीं के है। के किसी और के साथ उसके फायदा होगा उनका आपकी पार्टी की बात कर पार्टी के फैसले पार्टी का वोट मिया नवाज शरीफ है ठीक पार्टी जो मिया नवाज शरीफ के से हटेगा मार खाएगा ठीक हो गया ये 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 सियासत है लोग नवाज शरीफ के स्टैंड को नवाज शरीफ की सियासत को नवाज शरीफ की हुकूमत को कबूल करते हैं अगर कोई ये साजिशें करेगा डीलें करेगा अपने तौर पे कभी कामयाब नहीं होगा एक ब्रेक लेने दें ये डीले जो कह रहे हैं कि करेगा कामयाब नहीं होगा मैं डील करने वालों को तीन तीन दफा जीराज बनते देखा इस मुल्क का जी बने आज भी है आज भी है आज भी है, आज भी है। एक दफा बना ना ये एक दफा बना कोई दो दफा बना तो या तो तीन तीन ती, ती, ती 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 दफा आजम बने डील करने वाले जी डील की है मैं इसीलिए कहता हूँ एक ट्रूथ कमीशन बना दे आपको सब सार्थ सार्थ नहीं, बोलना, आप लोगों ने सच नहीं बोल देना क्या सच बोलना है मैं बोलता हूँ आप नहीं बोलेंगे पूछे क्या आई एस आई से पैसे लेते रहे क्या डीले करते रहे क्या आई टी आई बनाई क्या सच दे दूंगा वो दे नहीं देंगे ना जिन्हें देना चाहिए दे, दे ना रो किसने किए किसने पैसे लिए गलत किसने, किया, किया, किसने साथ दिए ये सब हमारी तारीख का हिस्सा है आज आप सच बोलेंगे वो सच नहीं बोलेंगे कौन सा जिनके लिए आप सच बोलना चाहते हैं यूथ कमीशन सिर्फ शायद खाकान अब्बासी के लिए नहीं बन सकता उसमें नवाज शरीफ साहब को भी बोलना पड़ेगा शरीफ साहब को भी बोले ये भी बताना पड़ेगा आप बोलने क्या ले गए मैं पाकिस्तान से बाहर कैसे गई ये भी बताना पड़ेगा ये बात आपकी बड़ी अच्छी थे जब वो अस्पताल में थे डॉक्टरों ने मना किया शेव नहीं करनी मियाँ साहब रोज शेव करने डॉक्टर ने कहा जी इतना सान प्लेटलेट उसके चार हजार छह हजार प्लेटलेट हो वो तो इतना सा खून मुसीबत मियाँ साहब शेव करोगे क्या हो गया डेंटिस्ट के पास चले गए उसी दिन आपको याद होगा पूरा परेशान की हो क्या रहा है बाद में पता लगा क्या हो रहा है <laughs> <laughs> बताना पड़ेगा ट्रूथ कमीशन की बात की और शायद साहब ने भी कहा कि मियां साहब बाहर कैसे गए उसके ऊपर भी एक कमीशन बनना चाहिए उस पर भी एक ट्रूथ कमीशन होना चाहिए लेकिन वो सारी बातें अपनी जगह आपकी बात ठीक है एक ही बनता है उसमें जो भी उसमें सारे आके अपना, उस अपना अपना झूठ बोलते हैं ना जी उसमें सारे आके अपना अपना झूठ बोल जाते हैं ये बन रोला ही होता चले वो झूठ से कुछ हकीकत तो निकल आएगी ना कुछ नहीं अभी तो सारी बात ही झूठ है आए सन ऑफ आए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मैं अंडरटेकिंग देख सन ऑफ लेट मियाँ मोहम्मद शरीफ ये हेयर बाय अंडरटेक टू रिटर्न टू पाकिस्तान Uh, face the law and justice within four weeks, or as soon as I am declared healthy. जी बिल्कुल और शबाज साहब ने कहा था कि आई ऑल्सो उन्होंने ये भी कहा साथ में कि वो आएंगे वापस और कि गवर्नमेंट हैज क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मियाँ साहब इज लिविंग अब्रॉड डिस्पाइट हिज फिटनेस टू ट्रैवल पाकिस्तानी हाई कमीशन का आदमी जाकर उनसे मिल सकता अभी ये हुकूमत की जिम्मेदारी है आ, ये हुकूमत अपना बंदा भेजे क्योंकि उनका जो बोर्ड है उन्होंने कहा कि आप अपने डॉक्टर के मशवरे तो भेज रहे हैं डॉक्टर लॉरेंस के जिसके बारे में मुझे याद है मियाँ साहब के बाहर जाने से पहले मोहम्मद मालिक साहब के एक प्रोग्राम में था उन्होंने कहा था मैं आज आपको बता रहा हूं रिपोर्ट आएगी एक डॉक्टर लॉरेंस की और वही रिपोर्टें देगा और वही हुआ वही रिपोर्टें दे रहा है कोई टेस्ट गवर्नमेंट कहती है कोई क्रेड टेस्ट नहीं दे रहे कुछ नहीं दे रहे ये तो शहबाज साहब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए सुलंध अदालत को अपने पैरे खुद देने थे थे। कर ले यार अगर रिपोर्ट से खुश नहीं है रिपोर्ट होगी तो रिपोर्ट ऐसी आती है मेडिकल नहीं सर? आप 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 मुझसे बीमार होते हैं ना आपका आपका प्लेटलेट काउंट जाता है आपका लिवर टेस्ट जाएगा या किडनी टेस्ट जाएगा या हार्ट टेस्ट जाएगा या एको जाएगा या कुछ तो जाएगा जिसके ऊपर डॉक्टर कहेगा हाँ, आपको दिल की बीमारी है था वन पॉइंट फोर के करीब किडनी खराब है यूरिक एसिड बड़ा हुआ था उनका पुराना है प्रॉब्लम में रिपोर्टें डॉक्टर को बुला देखा हार्ट अटैक था ना इसकी बात 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 मैं मैं, मैं देखे, मेरी भी सुन ले ना। मुझे खुद डॉक्टर ने नहीं है रहने उसने मैं सारी रात सोया नहीं हूं क्योंकि इतनी सीरियस कंडीशन थी कि मैंने कहा पता नहीं क्या हो जाएगा इसलिए किसी की सेहत से हमने ये तमाशा लगाया हुआ इस मुल्क में आप नहीं तमाशा करना है के पास है, के देख ले। सर, आप मसला ये नहीं है देखें मसला जी है। I, मैं किसी की से खेलू अगर कोई बीमार हो बिल्कुल आप खेल रहे हैं जब आप ट्विटे करते हैं बैठ के होम कम वो कम बैक के डेड आप खेलते हैं जब पोलो की छोड़ दे नहीं नहीं सर देखें

एक बड़ा तरीका होता है एहतियात का अवाम की मिसाइल को उजागर करने का उनकी वजूहत बयान करने का उसका हल देने का ये तरीका होता है मैं एक बात फिर बैठा आपने मुझे इतना डिफेंसिव डाल दिया बीमारी के मसले पर कि मैं बिल्कुल ही नहीं कह रहा कोई बीमारी नहीं मैं कह रहा रिपोर्टे भेज देखा रिपोर्टेंट देखो रिपोर्टेंगा रिपोर्ट जो होती है वो यही होती है डॉक्टर अपना ओपिनियन लिखते हैं कि ये पेशेंट ऑन सर्टन रिपोर्ट ये इलाज होना है से ये इलाज होना है आप सब रिपोर्टें देख लें अच्छा मुझे बताएं आ, अगर हुकूमत गिर जाती है अस कोई केयर टेकर सेटअप आएगा आ, कोई उस टाइम आप आ, इसी ऐबान से एक वजी अजम बनाएंगे ताकि वो जो कंडीशन है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन मिलकर केयर टेकर सेटअप बनाते हैं वो पूरी हो देखिए मेरी मेरी राय अगर आप मेरी राय पूछ रहे हैं ना फिर आप कहेंगे आपकी पार्टी ये कह रही है मेरी पार्टी इस, इस पे कोई बहस नहीं हुई लेकिन मैं ये समझता तो हूँ कि किसी केयर टेकर सेटअप का हिस्सा नहीं बनना चाहिए

अगला वजेम आपकी पार्टी का आज भी मियाँ शबाज शरीफ साहब क्योंकि आपने लास्ट टाइम जब बयान दिया है उन्होंने फोन किया किसी को जी इस पर क्या कहना है शायद साहब ने जो बात की है आगे से जवाब आया कि जनाब आपने कहना की शा, शायद साहब की जाती राय और मैं आपको कोर्ट एंड कोर्ट बिल्कुल मेरी जाती राय कोर्ट एंड कोर्ट जुमला बता रहा हूँ और जो बयान शायद साहब दे, दे देते हैं हमें डिफेंड करना पड़ता है उनको समझाने तो का मतलब ये आपकी जाति राय तो है ये मरिया नवासी साहब और उनके ग्रुप की राय में हरे की राय हो, हो सकती है मैंने तो ये बात की है सवाल का जवाब दिया है आपने पूछा था और लोगों ने पूछा मैं जी अमूमी तौर पर जो सदर होता है वही प्राइम मिनिस्टर बनता है हाँ। लेकिन ये फैसले जब पार्टी जीत जाए अक्सर हासिल कर ले अपने हालात देखे फिर फैसला करती है सर ये तो आपकी बात ठीक है लेकिन कुछ ना कुछ फैसले तो पहले ही हो जाते हैं ना मतलब यहीं बैठ के ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब होंगे यहीं बैठ के आपने भी कहा कोई सादिक साहब भी बोले ऐसा लगा कि एक सिंक हो गए बयान सारों के कि जैसे किसी को पैगाम भेजा जा रहा है कि अगले वजे आजम सर माइंड ना डोंट वरी सर शहबाज साहब अगले वजीरजम होंगे

मैंने भी यही बात आपके सामने रखी है आपने कहा शहबाज शरीफ साहब आप जरा वो पूरा इंटरव्यू पढ़ लेना ले <laughs> और ये, ये कोई ऐसी नवाज शरीफ साहब सबसे आइडियल आज भी नवाज शरीफ साहब है तो सुना शायद खाकान नुवाशी नुवाशी शायद नुवाशी शायद शायद सबसे अच्छे वजी नहीं सबसे आइडियल हमारी जमात में अगर कोई शख्स बनना चाहिए वो नवाज शरीफ साहब शायद। उनके केस अगर खत्म हो जाते हैं और तो नहीं हो सकते ना। क्यों नहीं हो सकते, सकते हैं है, है। है यहाँ पर उसके कंपनियों का चेयरमैन है उसे पूछने वाला नहीं है ये दोरे जो इंसाफ निजाम है ना यही प्रॉब्लम है सारा हाँ लेकिन लेकिन इस वक्त कम अज कम एक बात तो हम कह सकते हैं कि फॉरी मियां नवाज शरीफ साहब वजी नहीं बन सकते क्यों नहीं बन सकते, नहीं, बन सकते। नहीं हो सकता का। का। तो तो तीन महीने तक चलेगा अगर आज भी असेंबली टूट जाती है तीन महीने बाद इलेक्शन होंगे इस दौर में बिल्कुल बन सकते हैं लेकिन उसके लिए कोर्ट का फैसला आना पड़ेगा कोर्ट का फैसला आ जाएगा लेकिन उस फौरन आ जाएगी नॉमिनेशन मियां साहब ने अगर नॉमिनेशन नहीं जमा हूं कि फिर तो टाइमिंग की बात है बट ये बात खा, खा, यानि खारज खारज नहीं, नहीं है आपका तज्जिया पूछ रहा हूं मेरा तजिया अगर मुल्क की हम बात करें तो ये हकूमत इस मुल्क के मुफाद में नहीं है इसको नहीं होना चाहिए मैं मैं यकीन सबसे बड़ा हामी हूं को पूरा करें अपना वक्त पूरा करें मैं सबसे बड़ा हामी ही हूँ लेकिन जब एक मुल्क एक मुल्क में हालात ऐसे हो जाए कि हर चीज खराब हो जाए और कोई उम्मीद ही ना हो कि कोई बेहतरी की उम्मीद हो सकती है अगले साल सवा साल में तो फिर उससे बेहतर है कि आज ही सलाह शुरू कर दें इलेक्शन करवा दें अवाम को मौका दें यह कोई ऐसी बात नहीं आप दूसरे में दुनिया में देख लें लोग इलेक्ट होते हैं वो कहते हैं नहीं इस बात पे इतफाक नहीं है अगले दिन नया इलेक्शन हो जाता है हाँ लेकिन फिर ये भी देख लेना कि अगर आपका ख्याल है कि यह हुकूमत बुरी है इसका मतलब इस पार्टी की गवर्नमेंट बुरी है इसी हाउस में अगर नून लीग पीपल्स पार्टी मिलके जिस तरह आप कह रहे हैं कि बीस लोग इस्तीफा देना चाहते हैं वो अगर अगर अपना आप वो इस हुकूमत का साथ छोड़ दें या उनका कोई इतहादी छोड़ के आपके पास आ जाए आप हुकूमत बना सकते हैं तो ये तब्दीली तो इसी हाउस से शुरू हो जाएगी लेकिन आप कहते ने, हैं नहीं 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 वो आवाम को आपको नया आप इसमें पॉलिटिक्स भी करना चाहते हैं और मुल्क का फायदा भी देखना चाहते हैं पॉलिटिक्स की बात नहीं मुल्क का फायदा जो है वो एक नए इलेक्शन में है ये चोरीशुदा इलेक्शन का सारा निजाम है इसलिए खराब है जब तक आप शिफाफ इलेक्शन नहीं देंगे मामला नहीं चलेगा अब आम को फैसला कर बेहतरी की इब्तदा होगी आप इस फरसुदा निजाम को ऐसे ऐसे घुमाते रहे कुछ नहीं होगा आ, लेकिन सर कुछ देखें आप फिर आप ये कह रहे हैं देखें आपकी पोलिटिकल पार्टी की सोच है उसमें भी चंद लोग ये ये मेरी सोच है मैं आपके सामने रख रहा हूं आपकी सारी पार्टी की सोच लग रही है एक हुकूमत इसी असेंबली के अंदर बनाना वो इस मामले को मजीद तूल देने की बात होगी उससे हल नहीं निकलेंगे oh, so. अच्छा मुझे बताएं अग, आपकी अगर गवर्मेंट आई मुस्लिम लीग नून की लेट से आ, आप होंगे उस हुकूमत का ऐसा शायद खा खानाबाजी क्योंकि अजीर आजम रह चुके हैं कौन सी हुकूमत मुस्लिम लीग नून की गवर्न का हिस्सा कोई कैबिनेट की पोजिशन होगी आपको मैंने अगर इलेक्शन लड़ा मैं कामयाब हो गया असेंबली में आया हमारी हुकूमत बनी मुझे अगर किसी ने कहा कि आप उसमें शामिल हों तो मैं सोच सकता हूं नहीं हाँ हाँ हा की बात नहीं है मैंने आज तक आप पूछ 26 साल बाद वजीर बना था छब्बीस साल मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं उसे पहले जी उसे पहले मौका नहीं मिलाना आई है हाँ हा, वो आई है मैं, मैं, आप रहे ना वजी कह रहा हूँ ये कह रहा हूँ जहां आदमी कॉन्ट्रीब्यूट कर सके वहां जाना चाहिए अगर आप देखते हैं देखिये जहाँ भी आप कॉन्ट्रीब्यूट कर सके वो वो बात वो फैसले बाद के

और आसिफ साहब 96 में वो नहीं 19 में आए थे सेनेट में हाँ। पर अरे लोग हैं ना है, सेम्णी सेम्णी। ये ये आपका अच्छा ये आपका चौधरी निसार अली खान है 85 के से नहीं ये ये आपका अच्छा सवाल है कि फिर क्या होगा हमने एक तजुर्बा देखा है इस मैंने खुद जाती तौर पे जब बेगम भुट्टो आई थी तो उस वक्त ये हुआ था कि उनके जो वालिद के साथ के लोग थे वो अंकल्स जिसे कहते थे वो था उन सब का हमने एक मनफी असर में देखा है तो ये ये एक बड़ा, एक बड़ा अंकलों को छोड़ देना चाहिए आपके मैं, तो फैसले नहीं, 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 सब, सब, तो है। सब था। जी। अगर साहब की कमट आ जाए तो एज शायद खाकान नब्बा आपको क्या लगता आप खुद उनको जाके कहेंगे देखें आप इन अंकलों को खाजा आसिफ चौरी तनवीर में ये जो बाबे परवेज रशीद इन सारे बाबों से जान छुड़ा छुड़ाने जी मेरी मेरी जाति राय यही हो सकती है होगी हो सकती है होगी हो सकती है अच्छा हो सकती है कि इन बाबों से आप बाबों से जान देखे बाबों से जान छुड़ाने की बात नहीं है एक जब, एक, एक जमात जब नई बिगनिंग करती है फिर मुकम्मल नई बिगनिंग होनी चाहिए हमारी हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन डेफिनेटली जो लोग तजर्बाकार हैं माजी में है बिल्कुल कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लेकिन मैंने आपको बताया कि हमने अठासी से नब्बे जो गवर्नमेंट रही है उसके अंदर एक बड़ा सीरियस मनफी असर ये आपने देखा है और है। आपको लगता है कि एक है। फ्रेश है फ्रेश एंट्रेंट शुड हैव अ टीम मरीम नवाज शरीफ जो क्योंकि अब जाहिर बात ये भी शुरू हो गई क्या अब वजी अजम बने ना बने आपको लगता है कि मरीम नवाज साहबा नायब सदर हैं आप सीनियर नायब सदर हैं कोई सेक्रेटरी जनरल है लेकिन नायब सदर ने नौकरिया लगाया होता है सारे सीनियर लोगों को उनका होता बड़ा कर ले

पार्टी के सदर भी है वो, वो अच्छा वो वो तो दोनों एक जगह होते नहीं है ना सदर है। भी नौकरी नहीं लगे नौकरी लगे हुए अर्शद मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं दिखाऊं नौकरी केड़ा केड़ा लग गया सी जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अर्षद मलिक वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नौकरे लग गए नवाजर एक पास पार्टी का सदर एक पास पता नहीं कौन सो प्रॉब्लम क्या है कुछ नहीं है मैंने कहा मैं वो डिकोरम खराब होता है डिकोरम प्रेस कॉन्फ्रेंस इफेक्टिवली क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेटेड थी मरियम नवाज साहब वो पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या बेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो पार्टी की, की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना वो पार्टी के किसी इसीलिए डिकोरम खराब करते ना नहीं डिकोरम आप भूल जाते हैं कि वो उस शख्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसको जज को ब्लैकमेल करके उसको कन्विट कराया गया और जेल भेजा गया ठीक है, है।, है ये पाकिस्तान की तारीख में ये चीजें नहीं हुई है पहली दफा ये, ये तमाशे तो लगे सर शहबाज साहब मेरा कहने का मतलब ये राणा सनावला प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस वही करते मेरे से पूछ के दे जी

लेकिन इट मेक्स सेंस कि बजाय इसके कि ये एक डायकॉटमी डिस्क्रिपेंसी आपकी पार्टी के अंदर सॉर्ट आउट कर हमारी पार्टी हमें चलाने देना हमें ज्यादा दे दे अपनी पार्टी चलाने की का मतलब यही है, <laughs> 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 है। चलो आए अगर आपकी गवर्नमेंट आई क्या आप आईएमएफ के पास जाएंगे या आपने भी इमरान खान साहब की तरह कहना है कि मैं नहीं जाऊंगा यार देखिए ये आईएमएफ के जाना ये एक तरीकाकार होता है इकोनमी को मैनेज करने का ये कोई मुस्तकिल हाल किसी चीज का नहीं है दफा दफा किया किया ना जी तो तो है, है, है मुकम्मल नहीं हुआ मुकम्मल एक दफा हुआ है क्योंकि आप, से, से, आप बात सुन ले तकलीफ दे बात है दफा नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने ये प्रोग्राम मुकम्मल है तेरह और हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन पे हुकूमत खत्म की है अपनी अपना टर्म खत्म ठीक हो ये ये एक बड़ा एक बहुत बड़ी कॉन्फ्डिक लेकिन है, उस, की उसके बावजूद जब आपकी हुकूमत जा रही थी तो मिफ्ता साहब ये कह के गए थे कि मैं फिर आई एम एफ के पास जाने पड़ेगा ये नहीं, नहीं कहा था उन्होंने कहा था। ये मुमकिन है कि अगर कल आता जी करंट अकाउंट करंट अकाउंट डेफिसिट के इश्यूज थे जाना पड़ेगा सर मैनेज करने का एक तरीका आई एम एफ में जाने का होता है बिल्कुल होता है ठीक है कोई शुभ नहीं ब्रेक ले लू सर

उनकी बच्ची की शादी उनकी बच्ची की शादी जी मतलब यही, यही होता है तो क्या बात हुई उनका जहाज मेरा कहीं भी जा सकता है तो इस बारे में बात हुई जहाजों में खरीदने में खरीदने में या जहाज वालों में जहाजों में जहाज कहा जाते है मुलाकात हुई हमारी मेरी इतनी उनसे वाकफियत नहीं है लेकिन बाजी मुलाकातें हुई हैं तो गप शप जो आदमी करता है जब लोग मिलते हैं की बात ही पाकिस्तान में करते हैं तो उनको देखकर अगला जहाज उनका आपकी तरफ भी आ सकता देखिए जहाज कहीं भी जा सकता है तो जा तो, तो लेकिन उनके एक सियासत में असर है अपना फैसला खुद करेंगे जब वक्त आएगा जब वक्त आएगा जो हालात होंगे जो होगा फैसला उनका फैसला उनका ही होता है खैर देखते हैं उनका उनका अगला फैसला है <laughs> है या फिर चौधरी साहब का ये बताएं सर यह स्थानीय मरी की आज एक पंद्रह बंदे फारे कर दिए उन्होंने सत्ताईस सफों की रिपोर्ट आई है क्या समझते हैं इस रिपोर्ट को ये आप अफसरों को निकालने से बात नहीं होती पता ये करें कि ये मामला हुआ क्यों है ये ये एक पूरी एक गवर्नेंस का फेलियर है आपकी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी किसी को पता नहीं था मैंने क्या करना है ये पूरी हुकूमत का ही हाल है आखिर इसका कोई वजीर भी इंचार्ज होगा इस मामले का कोई वजर भी आला भी इसका इंचार्ज इस का इंचार्ज चौर्ण है। चौर्ण का नहीं और जो उनके सुपीरियर अफसर हैं जो लाहौर में बैठे हैं ये एक स्नो प्लान है मरी का हर साल रिव्यू होता है उसकी तैयारी की जाती है मुख्तलिफ महकमों की कोर्डिनेशन होती है ये सब कुछ लेके था यहाँ पर तो सिर्फ जो अफसरान वहां मौजूद थे अब मसलन मैं अगर मशीनरी मेरे पास है मैं, मैं हाईवे, हाईवे यही तो ने ने बता क्या है? नहीं, नहीं सकती मुझे जिन लोगों ने जिनसे मेरी बात हुई के बाद उन्हें कहा फोन करें गाड़ी भेज दें वो कहें हमारे पास यार पेट्रोल नहीं है बंदे नहीं जी तो कहते हमारे नीचे आता नहीं ये जो बर्फ साफ करने वाली गाड़ियां हैं लेकिन अब हुकूमत ने कोई कार्रवाई करनी थी तो उन्होंने कहा जी पंद्रह बंदे बजाय इसके कि छह फारे करें वो फिर कहेंगे उसको क्यों नहीं किया पंद्रह फारे दी, कर दिए कार्रवाई है और हकैक छुपा दिए गए हकायक ये हैं कि मरी के लोगों ने ही मदद की वहां जो लोग फंसे हुए थे कुछ ने छब्बीस कुछ ने एक्सप्लाइट किया लेकिन मैं जानता हूं लोगों का जिन्होंने मदद भी की करने हैं वो क्रिमिनल होते हैं वो थोड़े से लोग होते हैं यहाँ गाँव से लोग आए जो वहाँ रहते थे और बड़ा मुश्किल होता लोगों ने अपने घर भी खोले खाने भी दिए लोगों को लेकिन बो, रिपोर्ट नहीं निकाला उनको तो कर देते अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर आपके पसंदीदा टॉक शोज हो या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसे हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैन अवी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप बाइए ऐसी मुसद्दका खबरों तजियों और तबसरों से मुस्तफ होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट ए आर वाई न्यूज डॉट टी वी इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर ए आर वाई न्यूज पहुँचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर